आप जब फ्रिज से पानी की बोतल बाहर निकालते हो तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद उस पानी की बोतल पर छोटे छोटे कतरे जमा हो जाते। क्यों जमा हो जाते? अली सुबह यानी सुबह सुबह जब मॉर्निंग में आप खेतों में जाते होगे या खेतों में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो है पत्तों पर इस तरह की शबनम जो है जम जाती है, इसको हम शबनम कहते हैं। आपको पता है ये क्यों होता है, ये क्यों जमती है पत्तों पर, ये पानी के कतरे क्यों नजर आते हैं? ठीक है, इसी तरह आप जब स्कूल जाते होगे या आपने घर पर देखा होगा या आपके घर पर अगर गाड़ी होगी या कार होगी तो सुबह सुबह आप जब स्कूल जाते होंगे या आपने रास्ते पर देखा होगा कि जो कार खड़ी है, जो गाड़ी खड़ी है, उसके शीशे जो है उस पर जो है इस तरह की नमी या पानी के छोटे छोटे कतरे जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? इसी तरह अगर आपने मौसम सरमा में यानी सर्दी के मौसम में, अभी के जो मौसम जो शुरू है उसमें आपने देखा होगा स्टूडेंट, तो जब एरोप्लेन जाता है तो उसके पीछे एक व्हाइट पट्टा, सफेद पट्टा बनता जाता है। सर्दियों में खास तौर से ये होता है, इसको हम ट्रेल कहते हैं। क्यों होता है ये पट्टा, हमें नजर क्यों आता है? या अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाए तो लॉन्च होने के बाद भी बहुत देर तक वो पट्टा फिजा में नजर आता है, ये क्यों नजर आता है? आप इन तमाम सवाल के जवाब सोचकर रखिए, मैं आता हूं अपने प्लेन की सैर। स्टूडेंट मैं हूं रिजवान सैयद, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं, हम आज हम पढ़ेंगे हमारा जो सबक है हरारत, उसके बारे में हम लेक्चर 3 है, ये पार्ट 3 चल रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे रुतुबत और नुक्ताए शबनम। रुतुबत किसे कहते हैं और नुक्ताए शबनम हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए एक मिसाल के जरिए देखते हैं कि ये जमीन है, आपको पता है जमीन का 71% 71% जो है हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, बाकी जो है 29% पे हम लोग 29% पे हम लोग जो है वो रहते हैं। तो 71% पानी जो है वो जमीन का आपको पता है, और आपने ये तस्वीर भी कहीं देखी होंगी, आप छोटी क्लासों में अगर आपने देखा होगा तो इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, ये आपको नजर आएगा पानी का चक्कर, आपने छोटी क्लासों में इसको पढ़ा है। ठीक है, तो अगर पानी हमारा जो जमीन पर बहुत ज्यादा मिकदार में है 71% है, तो मुसलसल ये जो है इसकी सूरज की रोशनी की वजह से इसकी अमल तहकीर होती रहती है, मतलब ये भाप बनके मुसलसल इस तरह ये भाप बनकर ये उड़ता रहता है, पानी मुसलसल तहकीर होती ही रहती है। कोई भी मौसम हो पानी की तहकीर जो है मुसलसल होती रहती है, इसकी वजह से जो हवा है उस हवा में हमेशा नमी मौजूद होगी। अब नमी मौजूद होगी मतलब जब पानी भाप बनेगा तो आबी बुखारात उठेंगे, और यही आबी बुखारात जो है स्टूडेंट ये हवा में शामिल हो जाएंगे। तो फर्ज कीजिए ये आबी बुखारात यानी क्या होते हैं, वो पानी होते हैं, तो पानी के जो सालमात है वो हवा में शामिल हो गए, और हवा में शामिल होने की वजह से हवा में जो है नमी होती है, और उसी नमी को हम कहते हैं रुतुबत। क्या कहते हैं? रुतुबत। पानी की मुसलसल तफकीर होने की वजह से फिजा में हमेशा भाप की कुछ मिकदार मौजूद होती है। आप देखेंगे जो भी हवा हमारे आसपास अतराफ में मौजूद है उसमें जो है पानी की मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से पानी की बुखारात, आबी बुखारात जिसे हम कहते हैं, वो मौजूद होते हैं, और उसके मौजूद होने की वजह से हवा नम होती है, गीली हो जाती है थोड़ी सी, उसी को हम कहते हैं रुतुबत यानी ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझ लेते हैं कि फर्ज कीजिए, देखिए आपको 3 पॉइंट कम से कम याद रखना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से नोट कीजिए। आई नो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, डिफिकल्ट तो नहीं होगा, जब मैं समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, जैसे एक मखसूस दर्जरात पर दिए हुए हजम में आबी बुखारात के समोने की एक हद होती है। क्या होती है? एक हद होती है, यानी अब कोई हवा का हजम है, किसी भी चीज का हजम ले लो तो उसकी एक हद होती है, किसी भी चीज, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी हजम पढ़ा होगा, तो किसी भी चीज में कोई चीज समाने की एक हद होती है, तो ऐसे हवा में भी आबी बुखारात समाने की एक हद होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें, मैं बताता हूं। हवा को शहर शुदा होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मिकदार दर्जारात पर मुनासिर होती है। अब शहर शुदा का मैं आगे आपको बताता हूं, आपको ये वर्ड क्या है शहर शुदा। ठीक है, होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मिकदार दर्जे हरारत पर मुनसिर होती है, यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दर्जे हरारत ज्यादा है तो आबी बुखारात हवा में कितने मौजूद होंगे, दर्जे हरारत कम है तो आबी बुखारात हवा में कितने मौजूद होंगे। चलिए मैं इसको आप थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए फर्ज कीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसका मतलब क्या हुआ? दर्जे हरारत बहुत ज्यादा है,
अब जब दर्जे हरारत बहुत ज्यादा होगा तो हवा का जो हजम है वो बहुत ज्यादा होगा। दर्जे हरारत ज्यादा, हवा का हजम ज्यादा। दर्जे हरारत कम, हवा का हजम कम। सीधी बात है। चलिए इसको याद रखिए, इसको कहीं भी आप नोट कर लीजिए कि हवा में मौजूद आबी बुखारा, हवा को सैर शुदा होने के लिए जो दरकार आबी बुखारात है उसकी मिकदार जो है दर्जा हरारत पर मुनासिर होती है कि हवा में कितने आबी बुखारात चाहिए या कितनी वो हवा उस आबी बुखारात को होल्ड कर सकती है, समा सकती है अपने अंदर। चलिए ठीक है, इसको आप कहीं पर भी लिख लीजिए, ये पॉइंट आप याद रखिए। तो मैंने जैसे कहा दर्जा हरारत ज्यादा होगा हवा का हजम ज्यादा होगा, दर्जा हरारत कम होगा हवा का हजम कम होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, क्या बता रहा हूं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। अब देखिए यहां पर दर्जा हरारत कम होने से हवा को सैर शुदा होने के लिए कम बुखारात दरकार होते हैं। मैंने बताया था दर्जा हरारत कम होगा तो हवा का हजम भी कम होगा, तो वहां पर क्या होगा सैर शुदा होने के लिए आबी बुखारात भी कम लगेंगे। ये पॉइंट्स को याद रखिए, मैं इसको आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, फर्ज कीजिए देखिए ये ग्लास है, दो 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 ग्लास आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, एक बड़ा ग्लास है एक छोटा ग्लास है। अगर आपको मैं यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं, एक सवाल करता हूं स्टूडेंट के, बताइए किस ग्लास में सबसे ज्यादा पानी आएगा, तो आप क्या कहोगे? बड़े ग्लास में। आप क्या कोई भी कहेगा बड़े ग्लास में। क्यों? क्योंकि बड़े ग्लास का जो हजम है वो ज्यादा है और छोटे ग्लास का जो हजम है वो कम है। मतलब बड़े ग्लास में ज्यादा पानी समाएगा, छोटे ग्लास में कम पानी समाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आपको समझ में आ गया कि जिसका हजम ज्यादा होता उसमें ज्यादा पानी समाएगा, जिसका हजम कम होगा उसमें कम पानी समाएगा। इसी तरह जब दर्जे हरारत ज्यादा होता है तो हवा का हजम ज्यादा होता है तो उसमें आबी बुखारात ज्यादा समा सकते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका। जब दर्जा हरारत कम होता है तो हवा का हजम भी कम होता है, तो हजम कम तो पानी के जो आबी बुखारात है वो कम समाएंगे उसमें। क्लियर? दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फर्ज कीजिए ये यहां पर एक खेत पकड़ लीजिए, गांव ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहां पर जो हवा का दर्जा हरारत है, फर्ज कीजिए यहां पर जो है दर्जा हरारत वो 40 डिग्री सेल्सियस, ये एक इन्वायरमेंट है, यहां पर हवा मौजूद है और इस हवा का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस है। ये मैं आपको यहां पर अभी बताता हूं। अब हवा का दर्जा हरारत यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस, हमने ये फर्ज कर लिया स्टूडेंट। ओके, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, अब क्या होगा यहां पर जो हवा मौजूद है वो फर्ज कीजिए उसमें जो आबी बुखारात है उसमें जो भाप मौजूद है, आबी बुखारात और भाप दोनों एक ही चीज है क्योंकि भाप क्या होता है आबी बुखारात ही से बनते हैं ना, तो भाप या आबी बुखारात उसमें मौजूद है। फर्ज कीजिए यहां पर जो हवा है, जितनी हवा में बना था यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स जितने सालमात मैंने पानी के यहां पर आपको दिखाया उसको गौर कीजिए, उसमें कम से कम मैंने 15 सालमात यहां पर लिया है। अब फर्ज कीजिए यहां पर जो हवा मौजूद है वो गैर सैर शुदा है, अनसेचुरेटेड। अब गैर सैर शुदा मतलब कि अभी इसका पेट भरा नहीं है, यहां पर जो हवा मौजूद है इसमें 20 पानी के सालमात आ सकते हैं। कितने सालमात? 20 पानी के सालमात आ सकते हैं, लेकिन अभी उस वहां पर जो हवा मौजूद है उसमें 15 ही पानी के सालमात है। मतलब अभी इसका पेट भरा नहीं है, मतलब ये गैर सैर शुदा है। आप कहते हैं ना मैंने सैर करके खा लिया, मतलब बहुत पेट भर के खा लिया। बात समझ में आ गई, सैर शुदा और गैर सैर शुदा, मतलब अभी यहां पर और पानी के सालमात आ सकते हैं, समा सकते हैं इस हवा में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलिए समझिए, यहां पर 20 मॉलिक्यूल लगेंगे, 20 सालमात पानी के यहां पर इस हवा में समा सकते हैं, ये हम फर्ज कर लेते हैं। अभी हमने यहां पर 15 मॉलिक्यूल लिया, अभी 5 मॉलिक्यूल और लगेंगे। ठीक है, चलिए ये गैर सैर शुदा हवा है, ये जो हवा है ये गैर सैर शुदा है, मतलब अभी इसका पेट खाली है। क्या है? इसका पेट अभी खाली है, इसको अभी खाना चाहिए। कितने? 5 मॉलिक्यूल्स, 5 सालमात अभी और लगेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि दर्जा हरारत को मैं धीरे धीरे कम करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको इससे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि दर्जा हरारत कम होने से हवा को सैर शुदा होने के लिए कम बुखारात दरकार होते हैं। अभी आपने पहले में देखा है, ये पॉइंट को याद रखिए। अब दर्जा हरारत कम होने से हवा को सैर शुदा होने के लिए कम बुखारात दरकार होते हैं। अभी यहां पर दर्जा हरारत 40 डिग्री है, राइट?
40 डिग्री से अब मैं इसको कम करता हूं, मैं इसको कम करता हूं, मैंने कम किया, आप थर्मामीटर में देखेंगे ये 20 तक आके रुक गया। अब दर्जरथ 20 हो गया तो इसका दर्जरथ कम हुआ, यहां पर जो हवा मौजूद है उसका दर्जरथ अब 20 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है, जाहिर सी बात है तो इसका हजम भी कम होगा। अब जब हजम कम होगा तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे, 5 और चाहिए, तो जब गैर शुदा, अब यहां पर जो है ये सैर शुदा हो गई, अब यहां पर हवा का हजम इतना हो गया कि इसमें आप सिर्फ 10 मॉलिक्यूल 10 सालमात पानी के समा सकते हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं, 15 है, तो जो 10 सालमात पानी के इसमें समा सकते हैं वो समा जाएंगे, जो एक्सेस सालमात है वो नीचे गिर जाएंगे, जो ज्यादा सालमात है पानी के वो नीचे गिर जाएंगे और वो बनाएंगे शबनम, वो बनाएंगे शबनम। बात समझ में आ गई, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या बताया मैंने कि अगर एक गैर सहशुदा हवा है और फर्ज कीजिए दोपहर का टाइम है, हवा का हजम बहुत ज्यादा है, उस हवा में जो पानी के सालमात है वो सालमात अभी उस गैर सहशुदा है क्योंकि उसमें अभी और सालमात समा सकते हैं, लेकिन शाम होते होते हवा का दर्जरात कम हो गया, दर्जरात कम होने से हवा का हजम कम हो गया, तो उसमें जो सालमात थे वो ज्यादा हो गए, तो वो क्या हो गए, शबनम बन जाएंगे, वो सालमात नीचे अपने तकसीफ होगी उसकी, अमल तफकीर अमल तकसीफ, जब तफकीर होती है तो भाप बनती है, जब तकसीफ होती है तो पानी बन जाता है, राइट। तो यहां पर जो सालमात की तकसीफ हो जाएगी, अमल तकसीफ होने की वजह से वो जो कतरे बन जाएंगे और वो कतरे आपको जो ग्रास पर पत्ती पर और जो खेतों में आपको या झाड़ों पर या कांच पर नजर आएंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि मैंने एक गैर सहशुदा हवा लिया था और उसका दर्जा हरारत मैंने कम किया, तो एक मखसूस दर्जा हरारत पर आकर ये हवा सहशुदा हो गई, अपना पेट भर लिया इसने, बल्कि ऊपर हो गई तो बाकी उसने नीचे फेंक दिया। बात समझ में आ गई, तो मैंने गैर सहशुदा हवा को लेकर सहशुदा किया तो वहां पर वो आदि बुखारात उसमें समा गए जितने उसको चाहिए था सहशुदा होने के लिए, बाकी उन्होंने वहां पर जो है वो नीचे जो है वो शबनम की शक्लों में बाहर निकल गए। तो अब आपको ये समझने में आसानी होगी, अब आपको ये समझने में आसानी होगी कि एक मखसूस दर्जा हरारत की गैर सहशुदा हवा लेकर उसका दर्जा हरारत अगर कम करते रहे तो जिस दर्जा हरारत पर आबी बुखारात, वो हवा आबी बुखारात से सहशुदा हो जाएगी, उसको हम कहते हैं नुक्ता शबनम। बात समझ में आ गई, वो दर्जरात पर जहां पर ये सैर शुदा हो जाती है उस दर्जरात को हम कहते हैं नुक्ता शबनम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की अच्छी तरीके से, आपको समझ गया होगा। चलिए और आगे देखते हैं इसमें हमारे पास और क्या पॉइंट, अब जो समझा रहा हूं मैं इसको जरा गौर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए फर्ज कीजिए ये जो माहौल है यहां पर जो आपको नजर आ रहा है इसका तो दर्जरात है ये 40 डिग्री सेल्सियस है, मैं ये सब 40 डिग्री सेल्सियस यहां पर मान के चल रहा हूं, ये 40 डिग्री सेल्सियस इसका दर्जरात यहां पर है, ये जो माहौल आपको नजर आ रहा है, राइट। यहां पर हवा भी मौजूद होगी, अब यहां पर फर्ज कीजिए हवा की यहां का दर्जरात 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपको समझ में आ गया ये क्या है दर्जरात है। अब यहां पर जो हवा मौजूद है इस इलाके में, जितना भी इलाका हम फर्ज कर लेते हैं उसको, इस इलाके में हवा मौजूद है, उसका जो हवा की कमियत है वो कितनी है, उस हवा की कमियत फर्ज कीजिए 1 किलोग्राम है, 1 केजी हम पकड़ के चलते हैं क्योंकि इसको समझाने का तरीका यही है, 1 किलो हवा है उसमें दर्जरात 40 डिग्री है और सहशुदा होने के लिए, अभी सहशुदा नहीं है, यहां पर आबी बुखारात की कमियत कितनी 49 ग्राम लगेगी। अगर 1 केजी हवा है और दर्जे हरारत 40 डिग्री है तो वो हवा को सहशुदा होने के लिए 49 ग्राम आबी बुखारात दरकार होगे। बात समझ में आ गई मैंने क्या बताया। अब दर्जरात थोड़ा कम करता हूं, दर्जरात को 20 पर लेकर आता हूं, चलिए दर्जरात मैंने 20 पर लेकर आया, अब दर्जरात तो 20, हवा का कमियत, हवा की कमियत उतनी है उसको हमने बदल नहीं सकते, तो वो 1 केजी है, लेकिन बदला क्या दर्जरात। अब देखिए दर्जरात बढ़ने से क्या हुआ, हवा का हजम कम हुआ, तो अब यहां पर जो आबी बुखारात सैर शुदा होने के लिए हवा को लगेंगे वो लगेंगे 14.7 ग्राम। याद रखिए ये 40 डिग्री पर 1 केजी हवा के लिए 49 ग्राम आबी बुखारात दरकार होते हैं ताकि वो सैर शुदा हो जाए, 20 डिग्री पर
एक केजी हवा में, एक किलो हवा में 14.7 बाबी बुखारात दरकार होते हैं उसको शहर शुदा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। बात समझ में आ गई। इसी को हम, इसमें हम करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम मतलक रुतुबत कहते हैं, इसी को हम मतलक रुतुबत। तो हवा में मौजूद आबी बुखारात, जो हवा में मौजूद आबी बुखारात है कि उनकी जो मिकदार है वो कितने है, उसको हम मतलक रुतुबत कहते हैं। जैसे 40 डिग्री पर हवा में आबी बुखारात की मिकदार 49 ग्राम थी, तो उस हवा की मतलक रुतुबत 49 ग्राम है, राइट। अभी आपको समझ में आ गया होगा। 20 डिग्री पर उस हवा में 14.7 ग्राम मौजूद थे, उसकी कमी है किसकी, आबी बुखारात की, तो वो उसकी मतलब रुतुबत हो गई, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब रुतुबत, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इसकी तारीफ बता देता हूं। इकाई हजम वाली हवा में, देखो मैंने एक किलो लिया था मतलब इकाई हजम हो गया, इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की मिकदार को मतलक रुतुबत कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ के लीजिए। आप जो पढ़ेंगे सब यही आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इजाफी रुतुबत। अब इजाफी रुतुबत क्या है, इसको मैं समझा देता हूं अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए फर्ज कीजिए ये एक बॉक्स है, ये मकब है, इसके बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है, इसका बॉक्स का हजम जो है वो एक मकब मीटर है। चलिए इतना मान लेते हम कि इसका हजम जो है एक मकब मीटर है, मतलब जो भी चीज इसमें समाएंगी वो एक मकब मीटर समाएंगे। चलिए इतना आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि इसमें जो हवा मौजूद है उसमें जो आबी बुखारात है, फर्ज कीजिए वो इतने आबी बुखारात है, राइट। तो यहां पर मैंने क्या लिया, हवा का हजम कितना था, एक मकब मीटर, राइट। और इसमें जो भाप की कमियत है, आबी बुखारात मतलब वो भाप है, तो हवा जो मौजूद है उस डब्बे में उसमें जो आबी बुखारात है उसकी कमियत है 70 ग्राम, इसके अंदर जो मौजूद है 70 ग्राम हम फर्ज कर लेते हैं, ये हम फर्ज करके चल रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इसमें 70 ग्राम आबी बुखारात यानी भाप की कमियत मौजूद है, राइट। अब इस डब्बे में जो हवा है उसको शहर शुदा होने के लिए, उसको शहर शुदा होने के लिए और पूरे शहर शुदा होने के लिए 100 ग्राम हवा की कमियत, भाप की कमियत लगने वाली है। इस डब्बे में जो हवा मौजूद है उसको शहर शुदा होने के लिए 100 ग्राम चाहिए, अभी कितनी है 70 ग्राम, तो शहर शुदा होने के लिए दरकार भाप की कमियत कितनी है इसको 100 ग्राम। यानी अगर इस डब्बे में 100 ग्राम भाप की कमियत हो जाती है, 100 ग्राम आबी बुखारात की कमियत इसमें हो जाती है, तो इस डब्बे की हवा जो है वो शहर शुदा हो जाएगी, मतलब उसका पेट भर जाएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए अब क्या करेंगे हम कि ये इजाफी रुतुबत क्या है, मैं ये आपको समझा रहा हूं। फर्ज कीजिए कितने ग्राम थी इसमें, 70 ग्राम थी हमने देखे, लेकिन शहर शुदा होने के लिए कितनी चाहिए थी 100 ग्राम, तो 70 ग्राम है 100 ग्राम तो है नहीं, तो चाहिए अपॉन 100 ग्राम। जरा अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो मिलेगा 70%, तो हम बता सकते हैं कि यहां पर फीसदी इजाफी रुतुबत जो है वो 70 है। ये एक फार्मूला है इजाफी रुतुबत मालूम करने के लिए। देखिए फिर से बताता हूं मैं, एक डब्बे में हवा है, हवा में भाप है या आबी बुखारात बोल लीजिए, उसमें 70 ग्राम है, लेकिन यह भी शहर शुदा नहीं है। शहर शुदा कब होगी, जब इसमें 100 ग्राम आबी बुखारात रहेंगे, तो शहर शुदा होने के लिए दरकार भाप की कमियत कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। जब 100 वो जो है शहर शुदा हो जाएगा, तो 70 यानी जो मौजूद है अभी जो दरकार है वो 100 ग्राम है, जरब 100 यानी एक परसेंटेज निकल गया तो 70% आता है, तो इसी को हम कहते हैं फीसदी इजाफी रुतुबत, इसी को हम कहते हैं। इसका जाप्ता देख लीजिए, फीसदी इजाफी रुतुबत इज इक्वल टू मखसूस हजम में मौजूद भाप की मिकदार, जो 70 ग्राम की हमारे पास, अब मखसूस हजम की हवा को शहर शुदा करने के लिए दरकार भाप की कमियत, जो हमने 100 ग्राम लिया कि 100 ग्राम हो जाती है तो वो शहर शुदा हो जाएगी, जरब 100। ये फार्मूला जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये इजाफी रुतुबत मालूम करने का फार्मूला है और उसी को हम इजाफी रुतुबत कहते हैं। फर्ज कीजिए आज जो है माहौल में 60% ह्यूमिडिटी है। अब 60% ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब वहां पर इजाफी रुतुबत 60% है। समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं,
चलिए ठीक है। और एक चीज याद रखिए, नुक्ता शबनम के दर्जा हरारत पर इजाफे रुतुबत 100% होती है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। अगर हवा में इजाफे रुतुबत 60% से ज्यादा हो, 60% से ज्यादा हो, तो हवा मरतूब होती है, मतलब नम होती है, मरतूब होती है मतलब उसमें रुतुबत आ चुकी है, अब वो नम हो चुकी, गीली हवा हो गई। अब अगर आपको लगे तो पसीना आपको ज्यादा आएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अगर इजाफी रुतुबत 60% से कम हो तो हवा खुश्क है। तो ये जो चीजें है, खुश्क हवा साहिली इलाकों में नहीं होती है, क्योंकि वहां पर मुसलसल तफकीर होते रहती है, तो साहिली इलाकों में आपको वहां पर नजर नहीं आएगी ज्यादा खुश्क हवा, वहां पर हवा मरतूब ही रहेगी, नम रहेगी, हवा में नमी रहेगी। लेकिन आप अगर दूसरे इलाकों में चले जाए जहां पर साहिली इलाके नहीं है, तो जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे भारत के ऊपरी हिस्से में, तो वहां पर बीच में देखेंगे आप मध्य प्रदेश वगैरह इधर चले जाएंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा खुश्क हवा नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी रेट कम है, रुतुबत हवा में कम होती है। क्यों? क्योंकि वो साहली इलाका नहीं है। समझ में आ गई आप बात बच्चे स्टूडेंट? तो ये चीजें थी। चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था स्टार्ट में, वो क्वेश्चन क्या था कि अगर हम फ्रिज से पानी बॉटल बाहर निकाल के रखें तो उसमें पानी के कतरे जम जाते हैं, क्यों जम जाते हैं? तो चलिए जवाब देखते हैं अब इसके हम। देखो बच्चों, अगर आपने फ्रिज में से कोई पानी की बोतल उठाकर रखा, ठीक है, तो रखने के बाद पानी की बोतल जो है वो पानी जो है वो ठंडा है, तो बोतल रखने के बाद बोतल के आसपास की जो हवा है उसका दर्जा हरारत कम होगा, राइट? क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, दर्जा हरारत कम हो रहा है, तो जो आसपास की बोतल की हवा है जब उसका दर्जा हरारत कम होगा तो उसका हजम भी कम होगा। अब पहले दर्जा हरारत कुछ और था, बोतल रखने से आसपास की बोतल का दर्जा हरारत जो है वो कम हो गया, हजम कम हो गया, तो उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल थे, जो भाप की मिकदार थी, जो आबी बुखारात थे, अब वो ज्यादा हो गए क्योंकि शहर शुदा हो गई, तो बाकी कहां जाएंगे? बोतल के ऊपर आगे चिपक जाएंगे। बात समझ में आई? जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इसीलिए हमको बोतल पे जो है वो नन्हे नन्हे कतरे नजर आते हैं, राइट स्टूडेंट? चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने पूछा था एरोप्लेन में, तो यहां पर क्या होता है, जब मौसम सरमा में जब हवाई जहाज जब जाता है तो उसके इंजन से जो भाप निकलती है, भाप निकलने के बाद वो कंडेंस होती है, उसकी तकसीफ होती है। अब जब तकसीफ होगी तो क्या होगा, वो क्लाउड बनाएंगी, बादल बनाएंगी, और ऐसा लगेगा हमको कि वहां पर सफेद पट्टा है। बात समझ में आ गई? तो इसके इंजन से भाप निकलने की वजह से जब वो भाप का कंडेंस होता है, कंडेंस होता है मतलब अमले तकसीफ होती है, और अमले तकसीफ होने की वजह से वो क्लाउड बनाती है, बादल की बना देती है, इसीलिए हमको वहां पर व्हाइट पट्टा नजर आता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं मैंने कोशिश किया है समझाने की, आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो आपके जवाब आसानी से याद होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।